स्टूडेंट यहाँ पे मैं जरा से एक दफा इस जो एक कुछ स्टूडेंट सभी ज्वाइन किए हैं उनके लिए जरा सा डिस्टेंस का फार्मूले को मैं जरा सा डिस्क्राइब कर दूं। स्टार्ट में डिस्टेंस का जो फार्मूला है ये बेसिकली आपके पास दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। जस्ट लाइक ये देखें कि आपके पास ए और बी का फार्मूला है, अगर तो आपने इसके अंदर जो है उसको डिस्क्राइब करना है कि आपके पास पहला पॉइंट एक्स वन वाई वन है, दूसरा एक्स टू वाई टू है, वो आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट में इस तरह से आ जाता है कि पहले पॉइंट का नाम आपने x1 y1 और दूसरे का x2 y2। इसको आपने जब ड्रॉ किया है, फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, इसकी टोटल लेंथ को काउंट करना, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस, ठीक है। तो आपके पास पहला पॉइंट और एंड वाला पॉइंट होना चाहिए और उसके ऊपर फार्मूला x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर एंड इस फोर अंडर रूट यूज करेंगे। x1 आपके पास a के पॉइंट्स है x1 y1 और b जो है उसके पॉइंट्स है x2 y2, ठीक है। और m जो था वो आपके पास मिड पॉइंट को बताया गया था, उसका फार्मूला डिफरेंट था। तो ये मैंने अभी आपको एक एग्जांपल करवाई है कि अगर इसके अंदर एक कुछ पॉइंट्स जो है वो हमने अपनी मर्जी से जो है वो शो कर दिए हैं कि आपके पास ये वाला फार्मूला है, डिस्टेंस का डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर होल अंडर रूट। और यहाँ पे चूंकि थोड़ा पॉइंट्स नजर नहीं आ रहे थे तो मैंने जो है उसको इस तरह से बताया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग पॉइंट्स ए एंड बी लोकेटेड एट, ये है ए पॉइंट है माइनस टू फाइव और बी के जो पॉइंट्स है वो वन वन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि आपने एक्स टू माइनस एक्स वन का स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्केयर एंड इट्स होल अंडर रूट आ गया। तो एक्स टू है आपके पास वन माइनस एक्स वन जो है वो है माइनस टू और प्लस करके वाई टू जो है वो वन है आपके पास, ठीक है, और वाई वन जो है वो फाइव है, वन माइनस फाइव का स्केयर। तो आपके पास ये वन प्लस टू का स्केयर आ जाता है और ये वन माइनस फाइव का स्केयर, तो ये थ्री का स्केयर प्लस माइनस फोर का स्केयर नाइन प्लस सिक्सटीन का अंडर रूट आ जाता है और यहाँ से आपके पास ट्वेंटी फाइव का अंडर रूट ये फाइव आपके पास रिजल्ट आ जाता है। अच्छा जी, अब मैं जरा से आपको नेक्स्ट में लेकर जाती हूँ, लेकिन इससे पहले हम जरा रेज कर दें। अच्छा, अब यहां से देखें आप, जी अब बस फाइंड द डिस्टेंस है, फाइंड द डिस्टेंस सेपरेटिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स है। इससे पहले ऊपर मैं देख लूं कोई एग्जांपल तो नहीं की हुई, जी नहीं, प्रैक्टिस के लिए आपको सिंपल दिया गया है क्वेश्चन। अच्छा, कोई सा भी आपसे क्वेश्चन दिया जा सकता है, उसके ऊपर लाजमी नहीं होता स्टूडेंट के आपने पहले वाले में आपने मिड पॉइंट फाइंड आउट करने थे, यहाँ पे डिस्टेंस को अगर आप बता दें 15 से 30 तक कौन सा क्वेश्चन आपको कराए। जी स्टूडेंट आपके पास है एक मिनट, आप जरा अच्छी तरह से देख लें कोई सा क्वेश्चन मुझे बता दें। मैम 21 या 20 में से कोई एक करा दो। जी 20 या 21 में से, जी स्टूडेंट 20 या 21 है, 10 5 20 माइनस 10 और 21 है माइनस फोर माइनस टू सिक्स, चलिए 20 करा देती हूँ, 10 5 20 जी। अब अटेंडेंस हो गई जी स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? समझ दो जी, टाइम पे आप क्यों नहीं थे स्टूडेंट? मैम वाईफाई वो असल में काफी इशू कर रहा था तो उस वक्त मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, वो नेशन वाइड ये इंटरनेट का थोड़ा इशू चल रहा है ना। तो आप लोगों को पता है ना कि जो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनको अपना नेट और माइक और कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी ये सारी चीजों का ख्याल करना है। अच्छा जी स्टूडेंट, जी अब्दुल समद, अभी मैं लास्ट में क्लास में आपके अटेंडेंस के बारे में देख। अच्छा जरा सा ये देखिएगा स्टूडेंट कि मैं इसको थोड़ा सा
यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो मैं साथ ही सामने आपके एक्सरसाइज के ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। जी सामने नजर आ रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 20, और ये मैं आपको डिस्टेंस फार्मूले के जरिए कराने लगी हूँ। एक्सरसाइज है 1.5। फाइंड द डिस्टेंस है, बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स या सेपरेटिंग पॉइंट्स। पॉइंट्स अच्छा, और वो पॉइंट्स हैं आपके पास 10, 5 and 20 -10। ठीक है, आपने इसकी सोल्यूशन करनी है। इसमें आप ए भी नाम रख दें या पी क्यू भी रख सकते हैं। ए ऑफ एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू 10, 5। ठीक है, ये आपको चीजें गिवन है, मतलब क्वेश्चन के अंदर से मिलेंगी। बी का पॉइंट जो है वो आपके पास है एक्स टू वाई टू दैट इज इक्वल टू 20 and -10। ठीक है, आपने इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला यूज किया। डिस्टेंस का फार्मूला डी ऑफ एक्स वाई भी कह सकते हैं, डी ऑफ ए बी भी कह सकते हैं। ठीक है, कि ए से बी तक का डिस्टेंस, तो ये फार्मूला है एक्स टू माइनस एक्स वन का स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्केयर एंड इट्स होल अंडर रूट। तो एक्स टू जो है वो आपके पास है 20, आपने वैल्यू पुट की, माइनस एक्स वन देखें, ये पहला पॉइंट एक्स वन है, दूसरा एक्स वाई वन है, एक्स टू नीचे वाला पॉइंट है और वाई टू जो सेकंड पॉइंट है। एक्स टू जो है वो है 20 माइनस एक्स वन जो है वो 10 का स्केयर प्लस वाई टू है -10 माइनस वाई वन जो है वो है 5। ठीक है, उसका स्केयर 20 माइनस 10 जो है वो 10 का स्केयर आ गया, प्लस करके -10 -5 जो है वो है आ जाता है -15 का स्केयर, और ये आपके पास इसका स्केयर रूट आ जाता है। ये आ गया आपके पास 10 का स्केयर 100 प्लस 15 का स्केयर क्या होता है, 15 का स्केयर क्या होता है, ठीक है। जी चलिए ठीक है, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है, चलिए 225 चलिए ठीक है, मैं फिर इसको भी फिलहाल साइड पे करती हूँ। 225 में 100 ऐड कीजिएगा स्टूडेंट। 325 में आप इसका अंडर रूट लीजिएगा। ठीक है, जी ये स्टूडेंट रशीदा कौन है, जी आपकी क्लास में तो नहीं है ना ये स्टूडेंट कोई? नो मैम, यस मैम नहीं है कोई भी। अच्छा जी, डिस्टेंस ऑफ ए बी है, एक मिनट में एडमिनिस्ट्रेशन से जरा एक मिनट पता कर लूं कि ये स्टूडेंट कौन है जो एंटर करने के लिए ट्राई में, इसकी पिक ले लूं और सेंड करती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पे आप जरा देखिएगा कि 18.02, ठीक है। तो अच्छा, अब ये चीज आ गई आपके पास 18.02 आ गई है। अच्छा मैं आपको यहाँ पे जरा बता देती हूँ, एक्स वन वाई वन जो है वो 10, 5 है और वाई जो है वो 10, -20 है। मैं यहाँ पे जरा से आपको रफली स्केचेस का ड्रॉ करके दिखा देती हूँ सामने, ताकि जरा नजर आ जाए आपको।
टेन का टेबल ही है, फाइव का भी चला सकते हैं, चलें ठीक है, एक्स एक्सिस पे टेन फाइव का, टेन का टेबल चला देते हैं वाई एक्सिस पे फाइव का, ठीक है, ये टेन है, ये ट्वेंटी है, ये आपके पास एक्स है, और ये माइनस टेन है, ये माइनस ट्वेंटी है, और ये आपके पास ऑन एक्स डैश है। वाई पे मेरे पास देखें तो आपके पास पॉइंट्स आ जाते हैं फाइव एंड माइनस टेन, तो फाइव है, टेन है, ये वाई एक्सिस पे है, और यहाँ पे माइनस फाइव है और माइनस टेन है, ये सो ऑन वाई डैश पे है। तो यहाँ पे एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास पहला पॉइंट है एक्स वन वाई वन है, अच्छा एक्स वन है टेन और वाई है आपके पास फाइव, ये वाला पॉइंट देखें बन जाता है, ठीक है, ये वाला टेन एक्स टेन है वाई फाइव है, ठीक है, अच्छा x है 10 और y है आपके पास 5 है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है 20 माइनस 10, x है 20 और y है माइनस 10, ये इधर है, ठीक है, 20 एंड माइनस 10, आपने दोनों लाइंस को स्ट्रेट इस तरह से ज्वाइन किया, ठीक है, ये आपके पास a के पॉइंट आ गए और ये आपके पास b का पॉइंट आ गया है, ठीक है, आपने जब इसको कैलकुलेट करना है इसकी लाइन को तो वो 18.02 होगा, ये आपने कैलकुलेट करके स्केल के साथ आपने चेक करना है कि वो आपके पास डिस्टेंस जो है, इसको आप ड्रॉ तो नहीं करेंगे, ये तो टोटल आपके पास डिस्टेंस लाइन आ जाती है, ये आपने स्केल के साथ चेक करनी है, जैसे कि अगर मैं पेपर में क्वेश्चन दे दूंगी तो मेरे हाथ में स्केल होगा, जिस स्टूडेंट का भी आया होगा तो मैंने स्केल रख रख के चेक करना है कि वाकई इस स्टूडेंट की स्केचिंग के अंदर ये डिस्टेंस जो है वो 18.08 आता है, और यही आपने प्रैक्टिस भी करनी है कि आपने इसके मेजरमेंट करके देखनी है स्केल के ऊपर कि ये 18.02 आना चाहिए। अच्छा जी, एनी क्वेश्चन जी, मैं अगर आपको ये दिखा दूं, शो कर दूं, जो अभी हमने आज काम किया है उसके बारे में जरा से डिस्कशन देखिएगा कि आपने सबसे पहले तो कार्टियन पॉइंट जो है उनको ड्रॉ करना सीखा है कि कैसे ड्रॉ करते हैं उनको, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर टाइप शेप आ जाती है, इसके अलावा जो है आपने मिड पॉइंट फार्मूला जो है उसको देखा है, ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूले के अलावा जो है आपने स्केचिंग को ड्रॉ करना कि कैसे कैसे रेक्टेंगुलर शेप में जाता है या कैसे नहीं, और इसके अलावा ये चले मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ स्टूडेंट लाइन को, अच्छा इसके अलावा देखें कि आपने इसमें मिड पॉइंट फार्मूला था आपके पास, और आपके पास इसके अलावा इसमें हमने यूज किया था कार्टियन पॉइंट्स, कार्टियन प्लेन जो है उनको कैसे आपने पॉइंट्स को कैसे आपने ड्रॉ करना है उसके बारे में डिस्कशन थी, ये आपने मिड पॉइंट फार्मूले की डिस्कशन कर ली कि आपने उसके दरमियान वाला भी, ये आपकी जरा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके इसका मिड वाला पॉइंट का फार्मूला भी जो कैसे ड्रॉ होता है उसको देखेंगे आप, इसके अलावा जो है ये बहुत ही स्लो मूव कर रही है फाइल, अच्छा इसके अलावा जो है लास्ट में जो है वो आप इसके बारे में देखेंगे, चलिए मैं आपको यहाँ से लेकर जाती हूँ स्टूडेंट इसको, हाँ जी जी, मिड पॉइंट का जो है वो उसका फार्मूला है वो आपने चेक करना है स्टूडेंट के, आपके पास वो मिड के अंदर अंदर उसका पॉइंट जो है वो कैसे ड्रॉ होता है, अच्छा अब थोड़े से जनरल थोड़ी सी डिस्कशन 4-5 मिनट की मैं करूंगी नेक्स्ट आपके टॉपिक की तरफ, जिसको हम जरा सा ओवरव्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, दैट इज अबाउट द टॉपिक ऑफ द लीनियर, चैप्टर नंबर 2 है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लीनियर इक्वेशंस है, ग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको बताएंगे, और डिटरमिनिंग द इक्वेशन है ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है, लीनियर इक्वेशंस है इन्वॉल्विंग मोर देन 2 वेरिएबल्स है, एडिशनल एप्लीकेशंस है उसके बारे में डिस्कशन आप करेंगे, और जी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है, लीनियर इक्वेशन के अंदर ये चीज होती है कि जो उसकी पावर है उसकी वैल्यू एक्स और वाई वेरिएबल जो है ना उनकी पावर जो है वो हमेशा 1 होती है, ठीक है, द लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग द 2 वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई हैज द स्टैंड फॉर्म जो है वो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी होती है, ए और बी और सी जो है वो इसके अंदर आपके पास कॉन्स्टेंट होते हैं, और
ए और बी कैन नॉट बोथ इक्वल जीरो, दोनों इकट्ठे जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। एक इनमें बी जीरो हो सकता है तो फिर ए नहीं होगा, ए जीरो हो गया तो फिर बी नहीं, मतलब एक ना एक वेरिएबल रहेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको शो की गई है। लीनियर इक्वेशंस आर द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होती है, मींस इसकी एक्स की पावर जो है वो वन होती है। ईच वेरिएबल इक्वेशन जो है वो फर्स्ट पावर के बारे में है। थ्योरम में थोड़ा सा इसमें आपको दिखा दूं, ये देखिएगा आपके पास एक टेबल है, ये माइनस टू एक्स प्लस वाई फाइव वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव। ए का जो कोफिशियंट है वो है यहाँ पे, ए जो कोफिशियंट है एक्स का कोफिशियंट, मीन्स ये आपके पास बेसिक जो लीनियर इक्वेशन है वो इस तरह से होती है। लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ए जो है वो आपके पास होता है, ए की वैल्यू है वो एक्स का कोफिशियंट, ठीक है। अब ये इनफैक्ट यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी कह रहा है। एक्स के साथ वाले जो वर्ड्स हैं वो ए हैं, ये देखें टू है, बी के साथ वाई के साथ वाले वेरिएबल जो है वो बी है फाइव है, और जो राइट साइड पे है वो सी को रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस फाइव। सिमिलरली यहाँ पे देखिए माइनस एक्स है तो ये एक्स के साथ माइनस वन हो गया, वाई के साथ वन बाय टू आ गया, और जीरो जो है वो सी है। एक्स बाय थ्री है ना, तो ये वन बाय थ्री है, ए का वेरिएबल हो गया, बी का जो है वो जीरो आ जाता है, और सी जो है वो ट्वेंटी फाइव आ गया। सिमिलरली यहाँ पे देखें स्केयर रूट टू जो है वो आपके पास ए है, बी जो है वो माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव, यानी यहाँ पे प्लस का साइन है ना, तो यहाँ पे अगर माइनस आ रहा है तो ये माइनस को आप साथ ही पिक करेंगे माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव, और सी जो है वो थ्री पॉइंट सेवन सिक्स। सिमिलरली यहाँ पे ए टू है और बी जो है माइनस फोर है और सी जो है वो माइनस वन बाई टू है, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से इसके पैरामीटर्स को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहां से आगे हम देखते हैं। टू एक्स प्लस थ्री एक्स वाई माइनस फोर वाई इज इक्वल टू टेन है, एक्स प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू सिक्स एक्स स्केयर रूट यू प्लस वी स्केयर रूट इज इक्वल टू माइनस टेन है, ए एक्स प्लस बी ओवर वाई इक्वल टू सी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि ये लाजमी नहीं है आपके पास एक्स और वाई जी, ये देखें ये स्टूडेंट जो है ये लीनियर है या नहीं है। टू एक्स प्लस थ्री एक्स वाई माइनस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन लीनियर है या नहीं जी बताइएगा। मैम ये लीनियर नहीं है, उसकी रीजन लीनियर नहीं है, उसकी रीजन मैम इसमें सी नहीं है। नहीं नहीं सी ये है ना, सॉरी मैम इसमें थ्री एक्स और ये वाई जो है, हाँ जी ये देखिए स्टूडेंट इसकी पावर है वन और ये वन, तो ये आपके पास वन प्लस वन मल्टीप्लाई होके तो ये टू आ जाता है, ठीक है। तो ये आप देखें तो वन प्लस वन इज इक्वल टू टू आ जाता है, तो ये जो है नॉट लीनियर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि आपके अंदर वेरिएबल्स की मल्टीप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। देखें डिफरेंट वेरिएबल्स है, अगर ये होता 2x plus minus 4y equal to 10 तो तब आप कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे इस वजह से नहीं। यहाँ पे देखें इसकी पावर 1 है, y की पावर 2 है, ये इस वजह से नॉट लीनियर, 1 होनी चाहिए, ठीक है। इसमें यहाँ पे पावर जो है वो है 1 बाई टू, और ये भी अंडर रूट जो होता है वो 1 बाई टू होता है, 1 बाई टू का मतलब होता है 0.5, लेकिन हमने ये कहा हुआ है कि 1 होनी चाहिए, तो 1 के अलावा चाहे छोटी हो या बड़ी वैल्यू हो तो ये भी आपके पास नॉट लीनियर होगी। मैम जी मैम ये फर्स्ट में इनकी बेसिस मैम सेम नहीं है तो पावर्स कैसे ऐड हो रही है, x और y की बेसिस सेम नहीं है, लेकिन ये है कि इसकी जो डिग्री है ना वो आपस में ऐड हो सकती है, ठीक है। ये पावर्स तो देखें, ये अगर एक वर्ड आ जाता है ना कि 2 की पावर 3 डॉट 2 की पावर 9, तो आप फिर कह देते हैं कि 2 की पावर 3 प्लस 9, फिर ये पावर्स हैं, इसके लिए ये पावर्स हैं 2 की पावर 12। लेकिन अगर वेरिएबल्स हैं x और y, ठीक है, तो आपने उसको शो तो नहीं करना, लेकिन बेसिकली आपके पास यहाँ पे नॉन लिनियरिटी आ जाती है कि एक इसकी डिग्री है और एक इसकी डिग्री है, तो ये 1 प्लस 1 जो है दैट इज इक्वल टू 2। बेसिकली ये हम ऐड तो नहीं कर रहे, ये आपको शो किया जा रहा है कि इसमें दो वेरिएबल्स की डिग्रीज आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, वो आपस में मैंने आपको शो करके दिखाया कि असल में वो ऐड हो जाए तो वो ग्रेटर देन 2 हो जाती है, लेकिन बेसिकली आप इसको ऐड नहीं कर सकते। लेकिन नॉन लिनियरिटी को चेक करने के लिए हम इसके लिए यूज कर लेते हैं कि डिग्रीज को ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्स वाई स्केयर है,
तो इसका मतलब है कि इसकी डिग्री जो है 1 + 2 = 3 है, दैट इज ऑल्सो नॉन लीनियर, ठीक है, या मतलब ये कि x डॉट x कर दें आप, ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पे देखें कि 1 + 1 = 2, दैट इज ऑल्सो नॉन लीनियर. अगर सेम भी अगर आप रख रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि वेरिएबल्स के आपस में मल्टीप्लीकेशन ना हो. अच्छा, और दूसरा ये है जी स्टूडेंट, ये जैसे ही आपके पास हो जाएगा. अच्छा, ए एक्स प्लस बी वाई, बी ओवर वाई, ए एक्स प्लस बी ओवर वाई जब आपके पास आ जाता है, जी ए एक्स ओवर बी ओवर वाई, जी ए एक्स की पावर क्या है, एक्स है, वाई की पावर बताएंगे स्टूडेंट क्या है, वाई की पावर आ रही. अस्सलाम वालेकुम मैम, ये बिटकॉइन क्या होता है? ये कौन सा स्टूडेंट बोला है? जी स्टूडेंट अपना नाम बताइएगा. जी 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 स्टूडेंट किसने पूछा है, पूछे जरा मिड पॉइंट क्या होता है. जी कौन सा स्टूडेंट है? माइक अनम्यूट करें स्टूडेंट, जो स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा है. मेरी बात सुनिए स्टूडेंट, ये बिल्कुल स्टार्ट में आपको बताया गया था कि मिड पॉइंट आपकी लास्ट वीडियो में डिस्कशन इसकी बड़े अच्छे तरीके से हमने की है, तो अब आप लोग आप उसे आराम से पढ़ लीजिएगा. जो स्टूडेंट भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके नोट्स और वीडियो में आपको शेयर कर दूंगी, उसको अच्छी तरह से देखेंगे आप, और फिर डिटेल उसकी डिस्कशन हो चुकी है. अच्छा, आप जरा देखें मैडम, ये थीरियम क्या होता है? स्टूडेंट कौन सा बात कर रहे भाई? जी बताइएगा कौन सा स्टूडेंट बात कर रहे? अच्छा जी, अच्छा चले, खैर मैं आपसे जो है वो बात कर रही हूँ कि इसके बारे में. जी स्टूडेंट मैं आपसे, जी जी कौन स्टूडेंट बात कर रहे हैं? जी बोले मैम, ये जो बना रहे हैं और ये बोल रही है, हमारी क्लास की नहीं है, ये किसी और क्लास का आई थिंक आ गए हैं. अच्छा जी स्टूडेंट, इसके बाद जो है कि आपके पास हमजा खान जी स्टूडेंट, हमजा खान रिमूव कर दें. जी मैम इसे रिमूव कर दें, हमारी क्लास का नहीं है. ठीक है, हम एडमिनिस्ट्रेशन वाले इसकी स्टूडेंट आईडी निकाल सकते हैं. मैंने इसे रिमूव कर दिया. अच्छा जी, अच्छा स्टूडेंट जी अब जरा देखें. मैं कुछ नहीं देख रहा. हाँ जी, हाँ जी, ठीक है. अच्छा स्टूडेंट मैं ना इसको जरा सा यहीं पे मीटिंग को जो है एक मिनट ठहरे, जरा सा इसको लेकर जाऊं मैं.
मैम क्लास टाइम एंड होगी। जी जी ठीक है, मैं क्लास टाइम भी एंड। ओके फाइन, ऑफिस मैम। मैम अटेंडेंस तो लगा दे। कौन से स्टूडेंट की अटेंडेंस है भाई? अब्दुल समद। हमजा खान, हमजा खान जो है जी स्टूडेंट आपकी रिपोर्ट कर देनी चाहिए मेरा ख्याल है, और ये मैंने आपको रिमूव भी कर दिया है, और आप स्टिल जो है मैं बहुत नोटी हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, ठहरे मैं, मुझे पता है। ठीक है स्टूडेंट, मैं आप लोगों की ये समझ जो है वो प्रेजेंट हुए हैं। ठीक है, यस मैम। ठहरे जरा, मैं जो स्टूडेंट लीव करना चाहते हैं वो लीव कर सकते हैं। ठीक है, मैं जरा इसको देख लूं स्टूडेंट। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। जी जी मैम, ये हैकर है। हाफिज़ मैम। ओके स्टूडेंट, जो स्टूडेंट लीव करना चाह रहे हैं वो लीव करें।